हेलो प्रियांश, शर्मा ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आज फिर से संडे है और हम लोग गढ़वाल भवन जा रहे हैं। आज हमारे साथ प्रियांश भी है। हेलो एक नया बच्चा प्रियांश। सो एक्चुअली अब हम जा रहे हैं गढ़वाल भवन की तरफ और आज क्या होने वाला है, क्या नया लेसन सिखाया जाएगा, तो बने रहिए आप हमारे ब्लॉग में। दो मिनट में बहुत टाइम लगता है, आपको पता है। आज हम लोग इधर से न जा करके दूसरी साइड से जा रहे हैं, पीछे रूट से। तो आज प्रियांश भी हमारे साथ सीखेगा गढ़वाली। प्रियांश आती है आपको थोड़ी थोड़ी? हाँ थोड़ी थोड़ी आती है। चलो तो आपको सीखनी है गढ़वाली या नहीं सीखनी बताओ। सीखनी है तो चलो फिर जो आपको सिखाया जाएगा वो सीखना है, ठीक है। हाय कैसे हो? वाह छोटे छोटे बेबीज। हाय हाय हेलो, आप पिछली बार क्यों नहीं आए? पिछली बार क्यों नहीं आए? पिछली बार इन्होंने आने नहीं दिया। आने नहीं दिया? गॉड, कहाँ है इसके पापा? क्यों नहीं आने दिया आपने? ये तो सबसे प्यारा बच्चा है ना, है ना? तो अच्छा ये जो गुरु गुरु गुरु
थी कि जरा जरा सी दिक्कत, बहुत सारा शब्द थी जो अमर गलत हुई थी हिंदी में भी, और जरा अंत जो बाकी उन्हें जन बुरा है ना हिंदी में क्या चल बुरा अगर हम क्या चल गुरु ठीक है। हाँ अच्छा, खाने पीने स्कूल स्कूल नहीं जानते पढ़ी छे स्कूल नहीं जानते स्कूल जाता है स्कूल स्कूल अरे स्कूल अरे स्कूल देखो बात सुनो गलत जो चे स्कूल स्कूल और स्कूल ठीक। और हिंदी में भी बात सुनो फिर अलग गैर भाषा इसका सक्षम से तो एक शब्द का कह सकते हो हिंदी में क्या चल स्कूल अगर हिंदी में स्कूल को पाठशाला विद्यालय भी कहते हैं। बोलिए बड़ा बच्चा सर पूछेंगे और गणपति नजर में आ गई तेरो लहंगा क्या भलो था जीरो लहंगा क्या भलो था जीरो रंगीली पिछोड़ी है जरा आंखों में लगा ले काजला नजर में आ गई जरा आंखों में लगा ले काजला नजर में आ गई। आज गढ़वा तेसरी सभा में श्री कुमारी भाषण गोचर ग्रीष्मकालीन कक्षाओं को समापन हो गया है। गढ़वा भवन में जो पहले जो क्लास लग चाहिए तो उम्मीद करता है कि अगला साल जो तो और बढ़िया तरीके से कि यू आयोजन हो और हर बच्चा शिरकत कर रहा। अभी शायद 15-16 बच्चों जो भागीदारी करी और हमारा प्रयास ये होती कि अपना जो नए पीढ़ी से वो थी अपनी भाषा सिखा वैसे पहले अपनी भाषा प्रति उन थी जागरूक कर ताकि वो थी लगा कि भाई हमारी भाषा हम बड़े महत्वपूर्ण की लगती और यक भी और तमाम जो दिल्ली में 32 हमारे जो शाखा चलने से वो भी हमारे सभी प्रयास है कि अपनी भाषा सिखा होने बच्चों थी कोशिश करे जाके वो थी एक रुचिकर लगन और यक भी हम पिछले जो क्लास लगे हुए बच्चों तक पहले बच्चों थोड़ा झिझक दिखाए लेकिन अब लगातार बच्चा भाग लेना चाहिए भी बच्चों जो खुद गड़बड़ भी अपना वक्तव्य पढ़ी न कहानी पढ़ी न अपनी बात रखी और धीरे धीरे कहना कि हम सप्तम एक क्लास लगत तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े सकता हम लेकिन कोशिश थी कि हमारे नई पीढ़ी अपनी भाषा से जुड़
और मेरा निवेदन है कि गढ़वाल कृष्ण सभा का मंच का माध्यम से कि जो भी हमारे अध्यक्ष का सुंदर रचना अपनी भाषा में बात नहीं करता, और जब हम अपनी भाषा में बात नहीं करता तो हमारा बच्चा गढ़वाली कुमानी कर जैसी कला तो उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच की या पहल से अब उम्मीद करता कि आने वाले समय में जो हम और बड़े तरीके से की जो आयोजन कला और ये साल ये भी महसूस हुए कि हम सही ऑनलाइन क्लास शुरू करनी पड़ेगी तो देख देखो फिर हम विचार करना। गढ़वाल कृष्ण सभा का अध्यक्ष श्री अजय सिंह बिष्ट जी और साहित्य सचिव श्रीमती मनोरमा तिवारी भट्ट जी का भी योगदान से कि ऑनलाइन अगर हम प्रयास करना तो ऑनलाइन बच्चे जुड़ा ना, तो हमें भी कोशिश की अगर इन व्यवस्था बन सकता तो दिल्ली NCR बैर भी जो जो हमारा बच्चा सीखना चाहे वो तो हम जोड़ सकला। और आप लोग था ये भी जानकारी देना चाहना कि उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच 2016 बढ़े की गढ़वाली कुमानी सिखाने से और ये साल हम देहरादून में भी जो क्लास लगाना छो श्रीनगर गढ़वाल भी जो 2019 बढ़े लगातार क्लास लगनी छा। तो हमारा उद्देश्य यही है कि अपनी भाषाओं दगड़े हमारा लोग जुड़ा ला नई पीढ़ी जुड़ा ली और गढ़वाली भाषा का ही संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करना खातिर भी हम लगातार प्रयास करना छो, तो वह भी आप लोगों को सहयोग मार्गदर्शन हम अपेक्षित छा। और 2022 तक हमारे भाषाई वर्ष का रूप मनाने भी प्रयास करना छो, तो तमाम संगठनों से कि तमाम लोग से यहाँ निवेदन छा कि हम अपनी भाषा में बात करा, अपनी भाषा में लिखो, अपनी भाषा किताब पढ़ो और लगातार साहित्य सृजन होने से और हम कोशिश करना छो कि हमारे भाषा तक उचित सम्मान मिले। यो मुहिम तभी सफल हो जब आप सबको सहयोग मिलल हो हमारे नए बच्चा पीड़ा पाड़ा ला। तो आज को यो कार्यक्रम यहीं में समाप्त कर दो। गढ़वाल कृष्ण सभा बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मेरा निवेदन कर लो गढ़वाल कृष्ण सभा की साहित्यिक सचिव श्रीमती मनोरमा तिवारी भट्ट जी से की अपना शब्द रख ला तिवारी जी। धन्यवाद दिनेश मेहता बापू को कि आप लोगों ने एक तरह अच्छी शुरुआत करी और हम सब लोगों ने एक मैसेज दिनी कि हम लोगों ने अपनी बोली भाषा पर अब विचार करने को समय आएगी और जितना भी बच्चा ये खाए आप उन्होंने तो बहुत ही अच्छो मतलब अपनी भाषा को ज्ञान देनी। यहाँ वास्तव में गढ़वाल तहसीली सभा की साहित्य सचिव मनोरमा भट्ट आपको हार्दिक आभार करता हूँ और बस आज ये हमारी आखिरी क्लास था और ये आखिरी क्लास भी नहीं बोल सकता हम यूं, आगे भी हमारी मुहिम चलती रही ऑनलाइन क्लासेस होला, अगर और लोग हमसे ज्यादा से ज्यादा जुड़ला तो हम आगे भी इतने कंटिन्यू करते रहला। धन्यवाद। और हमें निवेदन कर लो श्रीमती यशोदा गिल्याली जो गढ़वाल कृष्ण सभा कार्यकारिणी सदस्य छे वो सभी निवेदन कर लो सब धन्यवाद करला और एक बात हम कार्यक्रम समाप्त करला। श्रीमती जय श्री राम। मैं यशोदा गिल्याल गढ़वाल तहसील सभा की मेंबर और मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि आप लोग जो ये भाषा सीखना चाहो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है और ये बहुत पहल बट होनी चाहिए जो न्यू है लेकिन फिर भी देर है दुरुस्त है, फिर भी हम चाहते कि हमारा बच्चा अपनी भाषा में बोले, जब मदरसे में बोल सकती, मराठी मराठी में बोल सकती, गुजराती में बोल सकती तो हम लोग के लिए ना पर भाषा बोल दो। सबसे पहले बात हम अपने घर में गढ़वाल नहीं बोलता, अपने बच्चों का गढ़ तो हमारे बच्चों का नहीं बोला। यहाँ मुझे से मैं आप लोगों से सबसे निवेदन है कि जो प्रयास है ये तो मुहिम तो चालू रखे, ये तो बनाए रखे अपने बच्चों का सबसे पहले अपने उत्तराखंड अपने गढ़वाल दिखाओ, इन्हें उन्हें घुमाने से बढ़िया हमारे बराबर हमारे पहाड़ बराबर मसूरी हर सब जगह तो हमारे पहाड़ है तो केला ना आप अपने बच्चों तो अपना पहाड़ दिखाओ, अपना खेत दिखाओ, अपना गांव दिखाओ ताकि बच्चा सीखे कि भाई हमारे उत्तराखंड छ उत्तराखंड एक देव भूमि छ। यहाँ को जैसे आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, ये कार्यक्रम तो आज तक भी चलाना रही है और मैं दुआ करूँ आप लोग था कि आप अगर बच्चा सब अपना भाषा में बोले हम तभी बड़ी खुशी मिली। जय हिंद जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड। बहुत हमारी भाषा हमारी पहचान। अच्छा हमारी
लास्ट में जय श्री राम, सब बोलो जय श्री राम।